नहीं दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। अभी सुबह के बजे 6 और मैं उठ गया हूँ, आप देख रहे हैं। और आज मौसम भी कुछ इस तरह का हो रहा है, आज धूप आ रही है मतलब, और आसमान में थोड़ा बादल लगे हुए हैं। और कम से कम 8-10 दिन हो गया बारिश होने का नाम नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और दोस्तों अभी ना गाड़ी भी आने वाली है और ड्यूटी भी जा रहा है मुझे 7 बजे। तो अभी मैंने बहुत नहाना भी है, उसके बाद जूता पॉलिश करना है, उसके बाद मतलब कि बहुत सारी मतलब ड्यूटी आने से पहले काम करने पड़ते हैं। उसके बाद मैं नाश्ता लूँगा, नाश्ता लेने के बाद देखते कब आता है, कभी कभी नाश्ता जल्दी आता है, कभी लेट भी आता है, ठीक है। उस हिसाब से नाश्ता लेने के लिए रेडी हूँ नाश्ता लेने के लिए। और बाकी पानी उधर भरा हुआ है, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ क्योंकि बाद में लेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ नहाने लगूँगा वहाँ गाड़ी आ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए सब काम एक साथ चल के करना पड़ता है, कहीं गाड़ी भी जल्दी ना आ जाए तो अपना काम भी हो जाए। बाकी शेविंग भी करनी है आज, शेविंग भी करना ज़रूरी होता है कि ना, फोन में शेविंग और बाल छोटे करना ज़रूरी होता है और अपना बॉडी टकाटक रखना, ठीक है। दोस्तों नहा धोना करने के बाद मैं रेडी हो गया हूँ, और रेडी इसलिए हुआ कि पहले क्योंकि अभी नाश्ता भी आने वाला है। अगर उस टाइम अगर नाश्ता आने के बाद मैं रेडी होता तो लेट हो जाऊँगा ड्यूटी में, क्योंकि ड्यूटी वाला भी 3 घंटा करके और वेट करता है हमें आने का। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी खा के जल्दी करके चला जाए, और ऐसा भी नहीं कि साथ में जैसे हमारे दोस्त लोग होते हैं तो वो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, बोलते हैं कि यार थोड़ा नाश्ता करके आ लेना, लेट भी नाश्ता आएगा तो आप नाश्ता करके आ सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेट करना। तो इसीलिए जल्दी जल्दी खा के मैं चला जाऊँगा, और गाड़ी भी आने वाली है। एम्प्टी कार उधर है, हाँ मेरा दोस्त आ गया है नाश्ता पानी लेके, गुजराती है गुजराती। अच्छा छुट्टी जा रहा था यहाँ का, पराठा और केला और जो है कि चटनी और चाय। नाश्ता करने के बाद मैं जा रहा हूँ दोस्तों ड्यूटी के लिए, और बन रही ड्यूटी के साथ। दोस्तों मैं ड्यूटी से आ गया हूँ, 1 से 4 तक ड्यूटी था। ड्यूटी से आने के बाद मैंने हाथ मुँह धो के उसके बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आज मेरा मार्केट में थोड़ा काम है, ये वो दुकान है जहाँ से हम वर्दी भी लेते हैं आर्मी स्टोर के बाहर में, और हर प्रकार की वर्दियाँ यहाँ पर मिलती है। जैसे कितनी गर्मी में कम से कम 10-15 कदम चला देखो, वो गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया। ये दोस्तों छोटा सा मार्केट जहाँ पर हम डेली सामान लेते हैं, 16-17 खाना बेच लेते। यहाँ पर मैं स्टिंग लूँगा, स्टिंग का मैं फेवरेट यहाँ से लूँगा यहाँ से। हाँ नाम क्या सर आपका? हमारा नाम विजय शर्मा। दोस्तों कपड़े धोऊंगा बाद में, पहले तो खाना, क्योंकि खाना आने का टाइम हो गया है, 6:30 बज गए हैं, ठीक है। शाम को खाना भी आता है गाड़ी से, तो यहीं पे हम सभी का खाना लेना पड़ता है। अभी मेरा नंबर है लेने का, तो खाना लेते हैं। और अभी पानी भी भर गया है, उसके बाद भी धोता हूँ, तो पानी भी जो ट्रेनिंग करे वो भी आ गए यहाँ पर। खाना भी ले लिया दोस्तों, अब मैं जो है कि अपनी कपड़े धोता हूँ क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है, फिर 10 बजे मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी में जाना पड़ेगा। उससे पहले खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, और सो तो पाऊंगा नहीं क्योंकि 10 बजे ड्यूटी तो सो पाते नहीं हैं हम, घर में ही बात करनी है। तो यानी 10 बजे जाता है तब तक खाना खाना और घर में बात करना। उसकी पानी आया है 38 नंबर, वहाँ पे अपना काम कर रहा है। आ गया, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अभी इनका 6 महीना हुआ ट्रेनिंग का, अभी अभी छुट्टी से आया घर से। छुट्टी बढ़िया कटा, छुट्टी बढ़िया कटा सर, मीठा हो गया। क्या क्या लाया खाने के लिए सर? नमकीन है, लड्डू भी लाया इनके ना, कहीं राजस्थान वालों ने लड्डू खिलाया मुझे, लड्डू लाया खिलाया ना, लड्डू खिलाया मुझे, लड्डू काफ़ी अच्छे बनाते राजस्थान वाले। और एक था क्या है गुजरात वाला, उसने लड्डू खिलाए 2 लड्डू, तो काफ़ी अच्छे लगते। ट्रेनिंग पीरियड में ना कि लड्डू हमें देते थे हमारे दोस्तों, काफ़ी अच्छे लगते थे लड्डू, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा वाले लड्डू ज़्यादा घी और लड्डू खाते हैं, बाकी कोई नहीं बनाता उतना ना। लेकिन पहली बार देखा गुजरात वाला भी लेके आया था लड्डू, लेकिन जो हरियाणा और राजस्थान का लड्डू बनाता है ना, वैसा कोई भी नहीं बना पाएगा ऑल इंडिया में, क्योंकि उनके लड्डू और इनके लड्डू में बहुत अंतर होता है। हम लोग भी नहीं बना पाएगा, बनाएगा घर में लेकिन ऐसा सिंपल सा बना नहीं है, लेकिन वैसा बना नहीं पाएंगे, एक तरह की कला क्या है। वो लोग वहाँ जो है ना ये हरियाणा राजस्थान के वो लड्डू ज़्यादा खाते हैं, तो उनको पूरा तरीका जो लोग खाते हैं जो उनका खाने का वो है, तो फेवरेट वही चीज़ कोई भी बनाना जानेगा, तो वही बात है। तो बाकी तो गर्मी भी काफ़ी हो रही है, मैं अभी नहाता धोता हूँ, उसके कपड़े धोता हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलता दोस्तों।
वर्दी धोती मैंने डाल दिया दोस्तों, तो मैं तार में सभी लोगों ने यह डाल रखा है। शाम को अगर हम धोते हैं वर्दी ना कपड़े कोई भी, दो तीन घंटे में सूख जाती है, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि हाल बुरा हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।